नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। डलकमारा और रस्टक्स, जी हाँ दोस्तों, ये दो दवाओं का मौसम आ चुका है। क्या मौसम आ चुका है दोस्तों? जब भी बारिश का सीजन आता है और जो कि अलग अलग क्षेत्र में भारत में अब मानसून आ चुका है, बारिश के आने के साथ बड़े हो या बच्चे, आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को सर्दी जुकाम बुखार होना आम बात हो जाती है। बहुत सारे लोगों को आर्टिकेरिया, पित्ती उछलना या स्किन रैशेज या खुजली की दिक्कत होना शुरू हो जाती है, या अचानक से विदाउट एनी इरप्शन, शरीर में किसी तरह का कोई इरप्शन भी नहीं है, दाने भी नहीं है, और खुजली होने लगती है। कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, इस बारिश के मौसम में होम्योपैथी की ये दो दवाएं अपने पास आप जरूर रखें। मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, डलकमारा और रस्टक्स के कुछ बेसिक डिफरेंस को अगर हम समझ लेंगे, वेदर इंपैक्ट, बारिश के मौसम में दोस्तों हर वेदर के लिए होम्योपैथी में कुछ विशेष दवाएं हैं। बारिश का मौसम जब भी आता है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी प्रॉब्लम हो, उदाहरण के तौर पर किसी को अचानक से सर्दी जुकाम या फिर फीवर आ गया हो, या फिर दोस्तों अचानक से खुजली पूरी बॉडी में शुरू हो गई हो, या आंखों में रेडनेस आ गई हो, या आंखों में इरिटेशन हो रही हो, या दोस्तों आपको डायरिया या लूज मोशन या नौजिया उल्टी जैसी समस्या हो रही हो, कब, अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तब आपको दवा लेनी है रस्टक्स। और अगर वेदर चेंज हुआ है, बारिश का वेदर पूरे दिन बना हुआ है और आप घर में थे, आप बारिश में भीगे भी नहीं है, पर तब भी आपको अचानक से ये सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, कौन कौन से, सर्दी खांसी जुकाम, स्किन एलर्जी या खुजली की समस्या या अन्य कोई भी सिम्टम, अगर आप बारिश में डायरेक्ट एक्सपोज हुए थे तो आपको दवा लेनी है कौन सी, रस्टक्स। आप चाहें तो 30 पोटेंसी में शुरू में एक दो खुराक, दो से तीन ड्रॉप सीधे जबान पर बहुत जल्दी जल्दी रिपीट कर लें, 10 मिनट में तीन बार आप ले सकते हैं। फिर इसे सुबह दोपहर शाम लेकर देखें और मैक्सिमम केस में आप पाएंगे कि पहले से दूसरे दिन में, चाहे वो आपका बुखार था, सर्दी जुकाम था, या स्किन पर होने वाली किसी तरह की एलर्जी ले लीजिए, या नॉर्मल रैशेज हो गया, स्किन रैशेज, दोनों ही कंडीशन में ये दो दवाएं जो है दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। अगर आप भीग गए हैं तो आपको रस्टक्स याद रखना है, और अगर वेदर चेंज हुआ है, घर में बैठे थे, अचानक से आप देख रहे हैं अरे मुझे जुकाम हो गया, बाहर पूरा बारिश का मौसम हो रखा है, डलकमारा, दोस्तों ये दो दवाएं आप भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। और बहुत ही बेसिक डिफरेंस के साथ आप इन्हें ट्राई करके देखिए, इन दो दवाओं से बारिश के मौसम में होम्योपैथी से आप देखेंगे लगभग सारी बीमारियां आप ठीक कर पाएंगे। एकोनाइट, बहुत सारे लोग जो कि होम्योपैथिक दवाएं पहले से ले रहे हैं, उनके दिमाग में दवा बिल्कुल आती होगी कि दोस्तों जब भी वेदर चेंज होता है या सडन कोई चीज होती है तो हम लोग बोलते हैं एकोनाइट लेने के लिए। तो अगर आप एकोनाइट लेना चाहें इन दोनों ही दवा के साथ अल्टरनेट करके 5 मिनट के गैप पर, सडननेस के लिए एक ही दवा है दोस्तों, सडन सिम्टम, आप बैठे थे कुछ नहीं था आपको, आप चलना फिरना शुरू किया या आप कुछ कर रहे थे और अचानक से आपको जुकाम हो गया, या अचानक से फीवर हो गया, अचानक से पेट खराब हो गया, सडन सिम्टम्स के लिए, आप कुछ देर पहले तक ठीक थे और कुछ देर बाद आपकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, तो एकोनाइट आप ले सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, आप एकोनाइट को डलकमारा के साथ 5 मिनट के गैप पे भी ले सकते हैं, अगर आपका लेने का मन है, घर में दवा रखिए तो जरूर लें, और अगर आप चाहें तो रस्टक्स के साथ, तो दोनों को ही अल्टरनेट करके ले सकते हैं। छोटा सा वीडियो दोस्तों, बारिश के मौसम में आपको काफी सारी बीमारियों से बचा सकता है, एक बार ट्राई करके जरूर देखें। वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।